बरेली दंगों का मास्टरमाइंड आज हो सकता है गिरफ्तार। जी हां, देखिए मौलाना तौकीर रजा किसी भी वक्त हो सकता है गिरफ्तार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का दिया था आदेश। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को सरेंडर करने का दिया था आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं सरेंडर हुआ। तो देखिए तौकीर रजा के खिलाफ दो बार NBW हो चुका है जारी। बरेली में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 27 मार्च को सरेंडर करने का आदेश दिया था। वहीं देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने सरेंडर नहीं किया। दो बार NBW भी जारी हो चुका है। आपको बता दें बरेली में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। तो आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। तो अब गिरफ्तारी की तलवार मौलाना तौकीर रजा पर नजर आ रही है। इससे पहले कोर्ट की तरफ से तौकीर रजा को 27 मार्च तक का वक्त दिया गया, लेकिन अभी देखिए हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने अब तक सरेंडर नहीं किया। तौकीर रजा के खिलाफ दो बार NBW हो चुका है जारी।